मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर अपने विभाग के लिए बजट मांगा। भरत सिंह कुशवाहा के मुताबिक मध्य प्रदेश में छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तार फेंसिंग योजना पर विभाग काम कर रहा है, जिसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरा रोडमैप मांगा है। उसी कड़ी में विभाग छोटे किसानों को तार फेंसिंग योजना से जोड़ रहा है, जिसमें फल फूल सब्जी का उत्पादन करने वाले खेतों पर तार फेंसिंग की जाएगी। ये फेंसिंग आवारा मवेशियों से सुरक्षा के लिए होगी। सरकार तार फेंसिंग योजना में किसानों को सब्सिडी भी देगी, जिसमें एक हेक्टेयर में 70%, दो हेक्टेयर में 60% और FPO स्तर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। मंत्री भारत सिंह के मुताबिक मार्च महीने में योजना लागू हो सकती है। किसान आत्मनिर्भर भी बनेगा और आय भी दुगनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से विभाग का है कि रोड मैप तैयार करें, इसको कैसे करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए विभाग ने रूपरेखा तैयार की।